मैं ऑफिसर जेनी बात कर रही हूँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, स्टोर में एक ग्राहक ने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसे कीमत में वो रियायत नहीं दी जो वो मांग रहा था। क्या कुछ किया जा सकता है? वाकये की इतला देने का शुक्रिया। जो आप बयान कर रही हैं एक नफरत अंगेज वाकया लग रहा है, क्या आप मजीद वजाहत कर सकती हैं? नफरत के सबब होने वाला वाकया एक गैर मुजरमाना फेल या बर्ताव है जिसका मुहर्रिक मुतासर शख्स की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली नफरत, तासुब या बदगुमानी है। कोई भी इंसान अपनी उम्र, जिंस, नस्ल, कौमियत, मजहब, माजूरी, जिंसी रुझान या इस जैसे दीगर अवामिल की बुनियाद पर नफरत अंगेज वाकये का शिकार हो सकता है। ये तर्ज अमल या रवैये अफराद को उनकी शनाख्त की बुनियाद पर इशारे करना, नस्ली गालियाँ देना, लतीफ़े बनाना या ज़बानी बुरा भला कहना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। चुनाचे ऐसा लगता है जैसे वो गाहिक आपसे नस्ल और असल कौमियत की बुनियाद पर ज़बानी बदसलूकी कर रहा था और तौहीन आमेज़ बातें कह रहा था। चूँकि ये नफरत के बायस होने वाला वाकया है और नफरत पर मबनी जुर्म नहीं है, हम इस शख्स पे फर्दे जुर्म नहीं लगा सकते। फिर तो मुझे इसकी इतला देने का मकसद समझ नहीं आया। वाकये की इतला करना फिर भी अहम है ताकि हमारे पास ये मालूमात हों और हम नफरत के बायस होने वाले इस वाकये से आगाह हों। हम इसकी मदद से इलाके में होने वाले इसी जैसे दीगर वाकयात का पता चला सकते हैं और उम्मीद है कि कम्युनिटी के लिए चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नफरत पर मबनी जराइम, वाकयात और इतला देने के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए ये हवाला जात मुलाहिज़ा करें।